हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ट्रैवल ब्लॉग। एंड एज यू नो को आई एम इन जॉर्डन। वेलकम टू पेट्रा। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पेट्रा। सो वी आर गोइंग टू विजिट पेट्रा ट्वाइस, लाइक टुडे एंड टुमारो। वी आर स्टेइंग हेयर फॉर 3 nights। जस्ट नाउ वी हैव स्टार्टेड, इट्स वेरी अर्ली मॉर्निंग, इट्स अराउंड 6:10 राइट नाउ। एंड यहाँ पे बाद में काफ़ी भीड़ हो जाता है, तो बेटर टू रीच एज अर्ली एज पॉसिबल। सो नाउ वी आर ऑन द वे टू द पेट्रा विजिटर सेंटर। पेट्रा विजिटर सेंटर, दिस इज द टिकट ऑफिस। सो वी गॉट अवर टिकट, वी जस्ट नीड टू गो टू द टिकट काउंटर एंड वी नीड टू शो अवर जॉर्डन पास एंड दे विल गिव यू द टिकट। दे हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर जॉर्डन पास। जैसे कि मैंने 2 दिन के लिए पेट्रा विजिट सिलेक्ट किया, तो उन लोगों को पता है, उन लोगों को बस स्कैन किया और पता चल गया कि 2 दिन का एंट्रीज है। तो अभी ये टिकट लिया और आगे चलते हैं एंट्रेंस की तरफ। This is my second wonder of the world. First one is, of course, as an Indian, I visited Taj Mahal. Also, I visited the pyramids of Giza in Egypt, but that is not considered as a wonder of the world now in the list of the 7. So we entered the lost city of Petra. सो द फर्स्ट पॉइंट आज हम विजिट करने वाले हैं ट्रेजरी। उसके बाद हम जैसे जैसे रूट बना हुआ है वैसे आगे जाते जाएंगे। इट विल बी अ लॉन्ग वॉक आई थिंक, बट इट्स ओके। सो सी द वेदर ऑलरेडी, इट्स क्लाउडी। होप के आज बारिश ना हो। यहाँ पे वेदर काफ़ी ड्राई है, लाइक फ्रीक्वेंटली आई एम फीलिंग थर्स्टी, सो इट्स बेटर टू कैरी वाटर एज मच एज पॉसिबल। बट ऑल्सो यू हैव टू take care that you shouldn't carry much weight because you have to walk a long way. So we are about to enter the canyon, the Sikh trail. ye aage hum ja rahe hain. So these are the water channels jahan se pani supply hota tha city ke liye. The view guys, wow. यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है, ये पहले कैमल था और ये एक लेग्स देख रहे हो, ये तो ऑब्वियसली इंसान है। तो अभी बस इतना ही बचा है। देयर आर स्टेयर्स एज वेल, पर ये कहीं जा नहीं रहा है। शायद पहले था यहाँ से ऊपर, पर अभी ख़त्म। वॉकिंग फॉर लास्ट हाफ एन आवर, बट इट इज़ ईजी आई विल से। बट अगर आपको चलने में प्रॉब्लम है तो गाड़ी भी है, आप गाड़ी में भी जा सकते हो। वैसे रोड इज़ वेरी गुड। एंड फाइनली गाइस, वो है आगे ट्रेजरी। तो दोस्तों कैसा लगा, आगे चलते हैं अब। मुझे तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, पर यही है कि अभी थोड़ा भीड़ हो गया है। भीड़ मतलब फ़ोटोग्राफी के लिए अभी सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग आ गए हैं। अभी हम आगे जा रहे हैं, और भी कुछ मोनूमेंट्स है। मतलब दिस इज़ अ होल सिटी, दिस इज़ नॉट जस्ट अ स्ट्रक्चर कि यही बस देखने आ रहे हैं लोग। बस दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसके बाद अभी काफ़ी सारे मिलेगा ऐसा, क्योंकि दिस इज़ अ होल सिटी।
वैसे ट्रेजरी के आसपास कुछ व्यू पॉइंट्स है जहाँ से आपको ऊपर से अच्छा व्यू दिखने को मिलता है ट्रेजरी का, पर अभी पता चला कि वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हुआ कुछ दिन पहले, तो वो अभी बंद है। तो यहाँ पे जो लोग पहले रहा करते थे, मतलब जिन्होंने ये सिटी बनाया, उसे नबातियांस कहा जाता है, और वो लोग बिजनेसमैन थे। बिजनेस मीन्स ट्रेडिंग। तो यू नो दैट जॉर्डन इज़ अ सेंटर इन बिटवीन अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप। तो काफ़ी सारा ट्रेडिंग, पहले सी रूट में ट्रेडिंग नहीं होता था, इतना अच्छा शिप्स वगैरह नहीं था, तो ट्रेडिंग होता था लैंड रूट से, और दिस इज़ द सेंटर। तो क्या था, नबातियांस ने ये सिटी ट्रेडिंग के लिए बनाए थे। तो बाद में क्या हुआ कि ऑल द ट्रेडिंग और जो ये सामान है ये सी रूट से जाने लगा, इसका इम्पोर्टेंस थोड़ा कम हो गया। और भी एक चीज़ है कि नेचुरल डिज़ास्टर, यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ तो यहाँ का काफ़ी सारा बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गया, और यहाँ का जो वाटर चैनल है वो ख़राब हो गया। तो ये सब की वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़ा नॉर्थ जाने लगे, शिफ्ट होने लगे, और फाइनली दिस बिकम अ लॉस्ट सिटी। वैसे यहाँ पे सो मेनी ट्रायल्स है, तो जैसे इस साइड अभी ऊपर जो जा रहा है रूट, ये हाई पॉइंट ऑफ सेक्रीफाइस वाला रूट है, तो हम ये कर लेते हैं क्योंकि मॉनेस्ट्री इज़ नॉट आवर प्राइमरी पॉइंट टुडे, क्योंकि कल हम वहाँ रिवर्स रूट से जाने वाले हैं। पत्थर पे टेक्सचर्स देखो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वहाँ से हम अभी चढ़ के ऊपर आ रहे हैं। सो वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड, ये पीछे है हाई पॉइंट ऑफ सेक्रीफाइस, और इधर आप देख रहे हो दीज आर द ओबेलिस्क। ओबेलिस्क मीन्स आप इजिप्ट पे भी जाओगे तो उधर पे भी ये आपको ऐसे स्टैचू खड़ा ऐसे लंबा दिखने को मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड ओबेलिस्क, एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स हाई पॉइंट ऑफ सेक्रीफाइस। लेट्स गो। वाकई बहुत अच्छा व्यू था, तो ऊपर से पूरा सिटी का व्यू आ रहा था, तो इट वाज नाइस। तो ऊपर बैठ के ब्रेकफास्ट हो गया, अभी हम दूसरे रूट से नीचे जाने वाले हैं। तो जो रूट हमने लिया वो है ये वादी फराशा रूट, वादी फराशा ट्रायल, ये रूट हमने लिया है। अब ये पूरा नीचे जा रहा है, अब पीछे देखो वार्निंग भी दिया हुआ है बिकॉज इट इज़ ए स्टीप डिसेंट। ऑन द वे ऐसा आपको केव्स जैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा जहाँ पे आप आराम से थोड़ी देर रेस्ट ले सकते हो। देखो कितना अच्छा स्पेस बना हुआ है, और पीछे यहाँ पे देखो कितना टेक्सचर कितना अच्छा है, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये नेचुरल टेक्सचर है। तो वी केम डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ सैक्रिफाइस पॉइंट, और ये नीचे व्यू देखो। सो दिस इज़ द गार्डन हॉल, तो डिस्क्रिप्शन आपको ऑलरेडी दिखा दिया। सो आप पीछे देख रहे हो ये भी एक गेट है, पर अभी यहाँ पे कोई रहता है, ये देखो अलग से इन्होंने गेट भी लगा दिया अपना, और उधर उन लोगों की गेट है। तो लग रहा है कि जो बेदुइन लोग हैं यहाँ के, ये लोग ये यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ के जो गवर्नमेंट है वो इन लोगों को यहाँ से हटाने को है। तो कुछ चल रहा है यहाँ पे एक्टिविटी अभी, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो द कंप्लीट स्टोरी, बट समथिंग आई हर्ड फ्रॉम समवन दैट ऐसा कुछ चल रहा है। तो शायद ये लोग ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रह पाएंगे। सो ये है अनदर ब्यूटीफुल गेट, पर इसके अंदर इस देख के लग रहा है कि ये बेरियल ग्राउंड जैसा है, मतलब खड्डा बना हुआ है, आई डोंट नो, यहाँ पे लिखा भी नहीं है ये क्या है।
तो ये ट्रायल कंप्लीट हो गया एंड वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द सिटी सेंटर। तो यहाँ पे ज़्यादातर दिख के लग रहा है कि रोमन आर्किटेक्चर है। इस साइड से रास्ता है ऊपर मोनेस्ट्री तक जाने का। इट्स अराउंड 850 to 900 स्टेयर्स। टुमारो वी हैव अ प्लान टू गो वाया द बैक रूट। सो फ्रॉम द बैक रूट वी डोंट नीड टू क्लाइंब दिस मेनी स्टेयर्स। सो वी विल सी द मोनेस्ट्री एंड देन द दिस वे वी विल कम बैक। सो आज हम अभी मेन रूट से वापस जाने वाले हैं। जैसे हम ये दूसरे ट्रायल लेके इधर आए हैं, मैं फिर से आ गया ट्रेजरी के सामने और ये पीछे भीड़ देखो। तो इस टाइम पे आप आओगे तो ऐसा ही भीड़ मिलेगा। और ट्रेजरी से अभी जैसे हम यहाँ वापस आए हैं और आई एम फीलिंग टायर्ड, तो यहाँ से ऐसे कैब मिलता है, शेयरिंग है, बस पर पर्सन के हिसाब से आप यहाँ से जो विजिटर सेंटर है वहाँ तक आप जा सकते हो। पर इसके लिए पर हेड 15 dinar, मतलब ऑलमोस्ट 1700 rupees। यहाँ से 2 to 2.5 kilometers है मैक्सिमम, तो पैदल ही चलते हैं। तो हम लोग अभी पेत्रा से बाहर आ गए हैं एंड वी आर जस्ट अराउंड 400 meters फ्रॉम द पेत्रा विजिटर सेंटर एंड वी केम टू अ रेस्टोरेंट। वी आर स्टार्विंग सो वी नीड सम फूड। तो एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव है। जैसे अम्मन अकाबा में चीज़ें ऑलमोस्ट नॉर्मल है, मीन सेम प्राइस लाइक इंडिया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है। इवन कोको कोला पेट बॉटल कॉस्ट मी अराउंड 1 jordanian डिनर विच इज़ अराउंड 117 rupees। तो ऐसा बाकी जगह पे नहीं है, बट पेत्रा इटसेल्फ इज़ एक्सपेंसिव। इवन इफ़ यू गो इनसाइड द पेत्रा एरिया दैट रुइंस एंड ऑल, वहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यू विल फील लाइक आपके फ्लाइट में कुछ खरीद रहे हो, उतना एक्सपेंसिव है। तो आई विल सजेस्ट कि यू कैरी एटलीस्ट सम स्नैक्स एंड वाटर अलॉन्ग विथ यू, सो दैट आपको ये सब चीज़ों के लिए फालतू खर्चा करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अभी हम यहाँ पे कुछ यहाँ का लोकल डिश ट्राई करने वाले हैं, फिर यहाँ से हम वापस जाके फिर वी विल टेक रेस्ट। देन टुमारो अगेन वी विल कम टू पेत्रा टू विजिट सम अदर प्लेसेस। जैसे आज हम मॉनेस्ट्री गए नहीं, तो कल हम पीछे की रास्ते से आएंगे बैकडोर एंट्री, फिर मॉनेस्ट्री होके फिर सेम रूट हम वापस आएंगे पेत्रा विजिटर सेंटर। सो लेट मी हिट समथिंग गाइस, विल सी यू।